अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज सुहैल। आज हम मौजूद है टेलीमार्ट के स्टूडियो पे और हमारे पास है नोकिया 1.4, जिसपे हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे ये प्राइस ब्रैकेट में हमें फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और इस प्राइस ब्रैकेट में ये नोकिया क्या कमबैक कर सकता है, और ये फ़ोन इतना अच्छा है कि ये नोकिया को बेस्ट सेल दिला सके कि नहीं दिला सके। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ी सी हम बॉक्स की डिटेलिंग देख लेते हैं। पहले बॉक्स की डिटेलिंग में हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें, ये जो वेरियंट है हमारे पास 3GB 64GB वाला है, और इसमें नोकिया जो है गारंटी देता है कि आपको 2 ईयर्स की एंड्रॉयड अपग्रेड मिलेगी लाजमी। और कलर हमारे पास है डक्स पर्पल। और बॉक्स कंटेंट में और क्या क्या है, थोड़ा डिस्प्ले लिखा हुआ है, डिस्प्ले साइज, कैमरा फीचर है, एट बैक कैमरा जो है इसका 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का 2 कैमरे हैं। इसमें हम देखते हैं क्या है वो टेस्टिंग कर लेंगे। बैटरी टाइमिंग जो नोकिया क्लेम करती है 4000 mAh और 2 दिन की बैटरी टाइम क्लेम करती है, और उसमें जो प्रोसेसर है कॉलकम 215 का लगा हुआ है। चलें इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है अवेलेबल। ऑन हो जाएगा, सेटअप हो जाता है, जब तक फोन ऑन हो रहा है तो हम बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं। बॉक्स कंटेंट में क्या क्या है, इसमें हमारे पास सिम इंजेक्शन टूल है इसके अंदर, और बुकलेट वगैरह है, इसमें लिखे हुए गाइड है, गाइड लिखी हुई है कि क्या है कैसे नहीं, जो भी कोई पढ़ता तो है नहीं। और इसमें नोकिया ने काफ़ी अच्छी चीज़ करी है कि सिलिकन केस दिया हुआ है, क्योंकि केस बहुत अच्छी प्रीमियर क्वालिटी का लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बाहर जो सस्ता है, काफ़ी अच्छा केस लग रहा है, ये केस काफ़ी अच्छा है। और क्या क्या है, इसमें चार्जर है, इसमें नोकिया का चार्जर है टिपिकल, और कितने वॉट का चार्जर है, ये है नॉर्मल चार्जर है जो नोकिया का होता है, कोई इतना ख़ास नहीं है। इसमें टिपिकल नोकिया की हेडफोन है नोकिया के, जो नोकिया देता है अक्सर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, हेडफोन भी सही है काफ़ी है। और USB केबल है, इसमें USB नॉर्मल केबल है, कोई इस तरह नहीं है टाइप सी वगैरह। और फोन हमारा ऑन हो गया है ऑलमोस्ट, इसको सेटअप कर लेते हैं, सेटअप करके आपसे मिलते हैं क्या है क्या नहीं। ये हमारा फोन सेटअप हो गया है, और इसकी जो स्क्रीन है वो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्मूथ है, और इसकी स्क्रीन साइज़ भी हमारे पास 6.5 inches है, और डिस्प्ले काफ़ी सही है, इतने पैसों में और इतनी चीज़ों में सही है, अच्छा फ़ोन है, तो इतना वो नहीं है इसका। अच्छा, हम इसका कैमरा टेस्ट कर लेते हैं पहले कि कैमरा कैसा है, इसका कैमरा कैसा नहीं है। कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं नॉर्मल में भी, ये भी नॉर्मल पिक्चर्स क्लिक कर ले, और इसको पोर्ट्रेट मोड भी दिया हुआ है इन्होंने। 8 मेगापिक्सल का इनका बैक कैमरा है, और इनका जो है सेकेंडरी कैमरा जो है 2 मेगापिक्सल का है, और वो मैक्रो कैमरा है बेसिकली। ये पोर्ट्रेट पिक्चर हमने ले ली, इसका मैक्रो कैमरा भी हम टेस्ट कर लेते हैं, मैक्रो कैमरे की रिजल्ट कैसा है कैसा नहीं है। मैक्रो कैमरे को इस पर हम ले लेते हैं, मैक्रो कैमरे का रिजल्ट कैसा है, थोड़ा सा फोकसिंग इशू है जो मुझे लग रहा है लैग कर रहा है मैक्रो कैमरा ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने में। और फ्रंट पे भी हम इसकी पिक्चर लेके देख लेते हैं कैसा लग रहा है। अच्छा, इसमें फ्रंट पे भी पोर्ट्रेट दिया हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से बस नॉर्मल ही है, इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, कैमरा इसका सही है, कैमरे का आपने रिजल्ट देख लिया होगा, पिक्चर्स कैसी आ रही कैसी नहीं है। और इसकी जो पीछे की बैक जो है वो मैट है, और फिंगरप्रिंट भी इसका बैक पे है, इस प्राइस ब्रैकेट के लिहाज से सही है, इतनी अच्छी स्पीड नहीं है लेकिन सही है, काफ़ी बेहतर है। इसका फिंगरप्रिंट भी सेंसर अच्छा है। और ये कि इसके प्राइस ब्रैकेट क्या है, प्राइस ब्रैकेट जो है हम ये हमारे पास जो लगा हुआ है वेबसाइट पे 15999 का, हमारी वेबसाइट पे है, अवेलेबल है ये। और एक ये बजट फ़ोन में है, बजट फ़ोन के लिहाज से इसका कैमरा और इसकी रैम और इसकी चीज़ें, फिंगरप्रिंट, ड्यूरेबिलिटी इस पर क्लेम करता है नोकिया की काफ़ी अच्छी, और काफ़ी सॉलिड फ़ोन लग रहा है हमें भी, काफ़ी सॉलिड फ़ोन है ये, और काफ़ी अच्छा फ़ोन लग रहा है इसके फीचर वगैरह में भी। और गूगल असिस्टेंट भी है इसमें, आपका फेस अनलॉक भी है, ये देखें आप, फेस अनलॉक भी काफ़ी प्रीटी गुड है, अच्छा है, नॉर्मल है। गूगल असिस्टेंट भी है इसमें, गूगल असिस्टेंट का एक सेपरेटली इसमें बटन दिया हुआ है, सही है। और इसमें सिम स्लॉट वगैरह भी जो है हाइब्रिड है, इसमें सिम स्लॉट देख लेते हैं हम क्या है। अच्छा, ये डुअल सिम है, हाइब्रिड स्लॉट है, आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं इसमें, एक्सटेंडेड मेमोरी भी है, वैसे 64GB है इसमें, लेकिन अच्छा है ये, काफ़ी अच्छा है, एक लो बजट के लिए आप दोनों सिमें भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं, और मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं अपनी पर्सनल डिटेल चीज़ें। और इसका UI वगैरह वो सिंपल है बहुत, जो टिपिकली गूगल का होता है अपना एंड्रॉयड का वो है, सेटिंग वगैरह भी अच्छी है। और ये है कि बाई डिफ़ॉल्ट
हमारे जो पाकिस्तानी यूज़र थे उनके लिए एक बड़ा अच्छा फीचर है कि बाई डिफ़ॉल्ट ही ये उर्दू में आता है, तो ये है कि आपको ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी इसको यूज़ करने में, चीज़ें करने में। बाकी ये फ़ोन तो बहुत मुझे तो इस प्राइस ब्रैकेट में अच्छा लगा। अगर मुझे कोई सेकेंडरी फ़ोन चाहिए या फिर मुझे अपने घर पे कोई फ़ोन देना है, कॉलिंग वगैरह करनी है, या एक सेपरेटली हम बाय रिलैक्स होकर एक अच्छा फ़ोन अच्छे प्राइस ब्रैकेट में ढूंढ रहे हैं, तो ये एक अच्छा ब्रांडेड फ़ोन और काफ़ी अच्छा हमें डिज़ाइन, स्लीक डिज़ाइन, स्पीकर, चीज़ें जो है, मतलब हमें एक इस प्राइस ब्रैकेट में बहुत अच्छा फ़ोन मिल जाएगा। तो ये कि मैं इसको प्रेफर करूँगा कि इस फ़ोन को हम लेना चाहिए, और काफ़ी नोकिया का एक अच्छा फ़ोन लगा मुझे इस प्राइस ब्रैकेट में। और नोकिया इंशाल्लाह आगे भी और अच्छे अच्छे फ़ोन देता रहेगा, और हम देखते रहेंगे किस तरीके का है, किस तरीके का नहीं है। कैसा लगा आपको नोकिया 1.4 का रिव्यू हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसकी प्राइस जानने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसी लेटेस्ट टेक रिव्यू हम आपके लिए लाते रहें। चलिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।